न्यूज एट एट में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। सदन की कार्यवाही का वीडियो बनाने को लेकर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल को सस्पेंड कर दिया। राज्यसभा के नेता सदन और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसको लेकर सवाल उठाया था और कांग्रेस सांसद पर कार्रवाई की मांग की थी। राज्यसभा के सभापति ने कहा कि पाटिल ने कल की कार्यवाही का वीडियो बनाकर ट्विटर पर पोस्ट किया, जो एक गंभीर मामला है। उन्होंने संसद की विशेषाधिकार कमेटी की जांच रिपोर्ट आने तक पाटिल को बाकी बचे बजट सत्र तक निलंबित करने की घोषणा की। रजनी पाटिल को निलंबित किए जाने के खिलाफ कांग्रेस के सांसदों ने आज राज्यसभा से वॉकआउट भी किया। मैं इसके ऊपर अभी बोलना नहीं चाहती, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन कुछ भी दोष नहीं होते हुए मुझे फांसी की सजा दी गई है और वो भी ऐसे घराने में। मैं जन्म लिया है, आप महिला हैं, आपका दोष है। स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आती हूँ और मेरे संस्कार ऐसे नहीं है कि मैं कानून को अवरोध करूँ, क्योंकि इस देश को स्वतंत्रता मिलाने के लिए मेरे घराने के लोग फांसी में भी चढ़े हैं। तो इस तरह से हमारा अपमान करना उनको ठीक नहीं था। कल जो प्रधानमंत्री जी का भाषण पे रोक लगाई गई, हमने बार बार रोका गया हमारे तरफ से, उसके लिए उनका एक बौखला गया है और इसलिए पूरा मैन्युफैक्चर्ड ये प्रोग्राम था। ये देखिए, ये वही लोग हैं जिनकी इंटेंशन गलत है। हमारे एक पार्लियामेंटेरियन के साथ गलत हुआ है। जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है वो आज तक कभी भी पार्लियामेंट में नहीं हुई। देखिए, आज भी हम लोग बायकॉट कर रहे हैं और मंडे को भी बायकॉट करेंगे। ये एक तरह से विपक्ष को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। इट्स अनफेयर थिंग टू डू। देखिए, हर इंसान को, अगर कोई कातिल भी होता है, हर इंसान को अपनी सफाई देने का मौका मिलना चाहिए। दिस इज जस्टिस। बिचारी उनको मौका ही नहीं दिया। और इतनी सीनियर मेंबर हैं, इतने बार हाउस में रह चुकी हैं, लोकसभा में रह चुकी हैं, कम्स फ्रॉम सच अ रिस्पेक्टेबल। इज दिस द वे? हमारे साथ है शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी, जो आज अपर हाउस में क्या कहेंगे? मैं कहूंगी ऐसी फीलिंग है कि जैसे अब हम पार्लियामेंट में कम हैं, हम एक खप पंचायत के अंतर्गत ज्यादा हैं कि कोई भी अगर ट्रेजरी बेंचेस के खिलाफ बोलता है तो उनको सीधा सस्पेंड कर दिया जाता है। एक वरिष्ठ नेता है, एक एक्सपीरियंस नेता है रजनी पाटिल जी, और ये पहली बार नहीं हुआ है। एक बार जब वो वेल ऑफ द हाउस का ये कहना था कि गलती किया उन्होंने, उसके बाद सजा क्या गलती की है, क्या हमने वो लॉ तोड़ा है, कौन सा कानून टूटा? हाउस के रूल्स हैं, हाउस के रूल्स टूटे, कमेटी में आप डाल दीजिए, लगता है कमेटी डिसाइड सही है या गलत है। ये उसी तरीके से व्यवहार है कि क्योंकि कल प्रधानमंत्री का इतना जम के विरोध हुआ है, ये खिसियाए हुए बौखलाए हुए हैं और अपने गुस्सा किस पे निकालेंगे? एक महिला पे निकालेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एनडीटीवी से कहा कि कानून तोड़ने के मुद्दे पर पूरा विपक्ष एक साथ आ गया है। उनसे बात की हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने। हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जो आज अपर हाउस में उसको कैसे देखती हैं? मैं इतना ही कहूंगी कि ये निंदनीय है कि चेयरपर्सन के ऊपर इस प्रकार से छींटाकछी हुई। आप अगर कानून तोड़े तो क्या कानून का उल्लंघन करने के लिए आपको सिर्फ इतनी सजा ना मिले कि आप महिला हैं? तो क्या ये पुरुषों के साथ पक्षपात नहीं होगा इस पूरे मामले को लेकर? मुझे लगता है जेंडर कार्ड खेलना अपने आप में कहीं ना कहीं महिलाओं का अपमान है। अगर आपने सदन में खड़े होकर इस बात को स्वीकार किया है कि आपने नियम तोड़ा है, तो फिर इतना भी आप जिगरा रखे कि आपने नियम तोड़ा तो आप उसके परिणाम को भुगतिए। लेकिन इस प्रकार से महिला का कार्ड खेलना, महिलाओं के साथ, जेंडर जस्टिस के साथ सबसे बड़ा अपराध है। विपक्ष का ये कहना है कि ज्यादा मतलब सजा दे दी गई है और इसको लेकर पूरा विपक्ष वॉकआउट कर बाहर निकल रहा है। सजा कम ज्यादा कब कितनी कैसे, ये चेयरपर्सन का अधिकार है, मेरा नहीं। विपक्ष सब एक साथ बाहर आ गई, कानून तोड़ने के लिए एक साथ हुए हैं, ये इंटरेस्टिंग है। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपना आखिरी बजट पेश किया। इस बजट में उन्होंने लोगों के लिए खजाना खोल दिया। इसमें चिरंजीवी बीमा योजना में 10 लाख से बढ़ाकर उसे 25 लाख का इंश्योरेंस कर दिया गया। दुर्घटना बीमा भी 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की गई। अब 50 के बजाय 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर, युवा कोष के लिए 500 करोड़ रुपए, 20,000 के बजाय 30,000 छात्राओं को मुफ्त स्कूटी, सभी भर्ती परीक्षाएं अब निःशुल्क होंगी, 100 मेगा रोजगार मेले लगाए जाएंगे, सिलाई मशीन के लिए महिलाओं को 5,000, बुजुर्गों का पेंशन 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया गया। कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों को बालिग होने पर नौकरी देने का भी वादा है।
तो राजस्थान विधानसभा में बजट पेश करने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसे ही बजट पढ़ना शुरू किया, वैसे ही उनके ओएसडी ने चीफ व्हिप महेश जोशी को कुछ कहा। उसके बाद महेश जोशी अशोक गहलोत के पास गए और कुछ बोला। इसके बाद सदन में विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर ने विपक्ष को समझाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष शांत नहीं हुआ और सदन को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद विपक्ष ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने दो गलतियां की। पहली, मुख्यमंत्री ने पुराना बजट पढ़ा है और बजट को लीक कर दिया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि सदन के हमारे विपक्षी साथी आरोप कुछ लगा अलग बात है, सिर्फ बजट की जो कॉपी बांटी जाएगी आप सबको वो तो तय हो चुका है, उसके अंदर और इस कॉपी को फर्क हो तब तो आप कह सकते हो। आप सब समझदार लोग हैं, मालूम है कि 7-7 दिन तक लोग घर नहीं जाते हैं, रात दिन एक काम करते हैं और उसके बाद में सुबह ला के देते चीफ मिनिस्टर को 6 बजे कॉपी, ठीक है? तो कटाई साहब सब मालूम है आपको, तो मुझे बताइए अगर मैं एक पेज गलत पढ़ने लग गया, वही जो लोग जिन्होंने बजट बनवाया मुझसे और मैंने सुझाव दिए, अगर ऑफिस गैलरी से मुझे कन्वे करे कि भाई ये आप ये पेज कौन सा आ गया, तो वो भी नेचुरल लोगों के में ये क्या हो गया, एक पेज गलती से वही बजट जो है जो पढ़ा जाएगा वही बजट आप सबको डिस्ट्रिब्यूट होगा, उसमें कहाँ लीक होने की बात आती है। सीएम साहब पुराने आप बजट पढ़ते रहे, ये इतिहास, मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसी चीज हुई है। हम लोग भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जब मैं मुख्यमंत्री थी तो मैं इस बजट को दो तीन बार पढ़ के उसको चेक करके अपने हाथ में लेती थी। जो मुख्यमंत्री अपने इतने बड़े डॉक्यूमेंट को बिना चेक किए हाउस में आके पुराने बजट को पढ़ सकता है, आप समझ सकते हो कि उसके हाथ में राज कितना सुरक्षित है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुंबई में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वंदे भारत को मुंबई से शिरडी को जोड़ा गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि ये ट्रेनें आर्थिक सेंटर और आस्था के केंद्रों को जोड़ेगी और महाराष्ट्र में पर्यटन और तीर्थ यात्रा को बढ़ावा देगी। पीएम ने कहा कि 17 राज्य 108 जिले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से कनेक्ट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में आधुनिक ट्रेन मेट्रो का विस्तार हो रहा है। इस साल के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 10 लाख करोड़ रुपए रखे गए। पीएम ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से रोजगार पैदा होंगे। आज का दिन भारतीय रेल के लिए, विशेष रूप से मुंबई और महाराष्ट्र की आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए बहुत बड़ा है। आज पहली बार एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई है। ये वंदे भारत ट्रेनें मुंबई और पुणे जैसे देश के आर्थिक सेंटर्स को हमारे आस्था के बड़े केंद्रों से जोड़ेंगी। इससे कॉलेज आने जाने वाले, ऑफिस और बिजनेस के लिए आने जाने वाले, किसानों और श्रद्धालुओं सभी को सुविधा होगी। ये महाराष्ट्र में पर्यटन और तीर्थ यात्रा को बहुत अधिक बढ़ावा देने वाली है। गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को भारत में उसके साथ साथ बीबीसी के काम पर रोक लगाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। यह याचिका हिंदू सेना ने दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह पूरी तरह गलत है और हम ऐसा आदेश कैसे दे सकते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है। याचिका में कहा गया था कि बीबीसी पूरी तरह भारत विरोधी है और पीएम के खिलाफ अभियान चला रहा है। महाराष्ट्र रत्नागिरी के पत्रकार शशिकांत वारिशे की हत्या के बाद पत्रकारों ने कई जिलों में प्रदर्शन किया। इसके साथ ही पत्रकारों ने आरोपियों पर मुकोका के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई की भी मांग की। साथ ही पीड़ित परिवार को 50 लाख के मुआवजा देने की मांग भी की गई है। रत्नागिरी में पत्रकार शशिकांत वारिशे की हत्या के विरोध में मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में पत्रकार सड़कों पर नजर आए।
मुंबई में काले बैज लगाकर पत्रकारों ने मंत्रालय के पास मौजूद महात्मा गांधी के प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि इसमें जो शशिकांत वारसे हैं, उनके परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, साथ ही साथ जो आरोपी है अंबेडकर उसके खिलाफ मकोका की कार्रवाई की जाए, क्योंकि उसके ऊपर पुराने मामले भी दर्ज हैं और जिस तरीके से ये हत्या हुई है 302 का मामला तो दर्ज किया गया है, लेकिन मकोका के तहत भी मामला दर्ज किया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत विशेष सरकारी वकील की मांग कर रहे हैं हम लोग। शनिवार के दिन रत्नागिरी के पत्रकार आरोपी पंढरीनाथ अंबेडकर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर रैली भी निकालने वाले हैं। रत्नागिरी के राजापुर इलाके में बनाए जाने वाली रिफाइनरी के खिलाफ खबर छापने को भी शशिकांत वारिशे की हत्या की एक वजह माना जा रहा है। शुक्रवार को प्रदर्शनों के जरिए राज्य में पत्रकारों की मौजूदा स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की गई। इनकी जो हत्या हुई तो हत्या की वजह ये थी कि वो रिफाइनरी का विरोध कर रहा था, रिफाइनरी के खिलाफ वो लिख रहा था, इसके लिए उसकी हत्या हुई। तो इस तरीके से जब किसी इंटरेस्ट को छूते हैं पत्रकार, जो सही मायने में पत्रकार का काम है, पत्रकार का काम यह है कि उसको अपोजिशन पार्टी की भूमिका अदा करनी चाहिए और वो ये भूमिका अदा कर रहा था, इसके लिए उसको मारा गया। और जिस तरीके से उसकी हत्या हुई यह बिल्कुल स्पष्ट दिखाता है कि लोगों में बिल्कुल डर नहीं है, जिसको कहते हैं ना कि इम्प्यूनिटी का माहौल है कि हम पत्रकारों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। महाराष्ट्र सहित देश भर में पत्रकारों के खिलाफ बढ़ते जा रहे हिंसा के मामले चिंताजनक हैं। देश में एक साल में औसतन 6 पत्रकारों की हत्या हो रही है, जिसके बाद अब पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मुंबई से अशोक महाड़ी के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर फोकस बढ़ाने की चर्चाओं के बीच आज बड़ी खबर आई। देश में पहली बार लिथियम का बड़ा भंडार मिला। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में यह भंडार मिला है। इसकी कैपेसिटी 59 लाख टन है। लिथियम के साथ ही यहां सोने के 5 ब्लॉक भी मिले। इसकी पहचान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने की है। लिथियम एक नॉन फेरस मेटल धातु है, जिसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के साथ बाकी चार्जेबल बैटरी बनाने के लिए किया जाता है। यह एक रेयर अर्थ एलिमेंट है। भारत अभी लिथियम के लिए पूरी तरह दूसरे देशों पर निर्भर है। 2020 में भारत लिथियम आयात करने के मामले में दुनिया में 4th नंबर पर था। भारत अपनी लिथियम आयरन बैटरी का करीब 80% हिस्सा चीन से मंगाता है। चौदह फरवरी को काउ हग डे के रूप में मनाए जाने की अपील एनिमल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने वापस ले ली। सोशल मीडिया पर लगातार इसका मजाक बनाया जा रहा था। एनिमल वेलफेयर डिपार्टमेंट की अपील में कहा गया था कि 14 फरवरी को काउ हग डे के तौर पर मनाएं। एनिमल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने कहा था गाय को गले लगाने से भावनात्मक स्मृति आएगी और व्यक्तिगत और सामूहिक खुशी बढ़ेगी। एनडीटीवी के सौरभ शुक्ला को इंडियन प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ अवार्ड्स ने सम्मानित किया। हरिद्वार में हेट स्पीच को लेकर की गई रिपोर्ट के लिए उन्हें आईपीआई इंडिया अवार्ड 2022 के लिए सम्मानित किया गया है।